हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं आलू चने की मसालेदार सब्ज़ी, जो हमने काले चने और भूरे चने मिलाकर बनाए हैं। आप चाहें तो सिर्फ भूरे चने या काले चने की भी बना सकते हैं, और ये पूरी और पराठे के साथ या नान के साथ आप इसे खा सकते हैं, और बनाना बहुत ही आसान है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं और इसकी इंग्रेडिएंट देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दो उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने उबाल लिया है चने के साथ में, चना जब हमने उबाला है। और 1 कप हमने यहाँ पर काला चना और भूरा चना हमने यहाँ पर लिया है, और आलू और चने को हमने साथ में उबाल लिया है अच्छी तरीके से। और हमने यहाँ पर ली है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा करके इसे डाल सकते हैं। और हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमने ली है बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और यहाँ पर हमने ली है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और 2 टमाटर को हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने 2 प्याज ली है बारीक कटी हुई, और इसको हमने चॉपर में बारीक काट लिया है। और अब पाउडर मसाले देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और हमें कुकिंग ऑयल चाहिए अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू जो लिए हैं इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसके हम सारे छिलके उतार लेंगे इस तरीके से। काटने के बाद ये बड़ी आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं, तो इसको हम क्यूब में कट कर लेंगे। चाहे तो आप हाथों से इसे तोड़ लें। तो ये देखिए, हमने सारे आलू को क्यूब में कट कर लिए हैं बड़े टुकड़ों में। तो यहाँ पर हम 1 कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, लगभग 5 टेबल स्पून तेल लेंगे हम यहाँ पर। और तेल को हम अच्छी तरीके से गरम होने देंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है अच्छी तरीके से, तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा, और 8 से 10 हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। जीरा और करी पत्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और प्याज को अच्छी तरीके से चलाते हुए, लगातार चलाते हुए इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और जब तक कि इसे हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और अब इसमें हम पाउडर मसाले डाल देंगे, और प्याज के साथ इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहें तो पहले अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो प्याज के साथ हम भून लेंगे इसे, और खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। आप तीखा कम खाते हो तो हरी मिर्च अलग से ना डालें, और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट काफ़ी होगा। उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और मसालों को अच्छे से चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेते हैं जब तक कि तेल थोड़ा सा अलग ना होने लगे। तेल अलग हो रहा है और मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने कद्दूकस किया है। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और टमाटर को भी मसालों के साथ चलाते हुए अच्छी तरीके से पका लेंगे, भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और इसे हम पकाएंगे जब तक कि प्याज और टमाटर थोड़ा सा और ना गल जाए अच्छे तरीके से। हमको मसाला अच्छे तरीके से चाहिए, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर इसे पका लेंगे, लगभग 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं तेल और मसाला बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसको हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेते हैं, 1 से 1 मिनट के लिए लगभग भून लेंगे।
और प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से गल चुका है और मसाले भी अच्छी तरीके से भून गए हैं। और अब हम इसमें उबले हुए चने और आलू को डाल देंगे और मसालों में अच्छी तरीके से मिला लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब मसालों के साथ थोड़ा 1 मिनट के लिए भून लेते हैं और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। लगभग 1 कप हम पानी इसमें डाल देते हैं, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। एक से दो कप लगभग हमने इसमें पानी डाल दिए हैं। इसको हमें 1-2-3 मिनट के लिए इसे हम मसालों के साथ पकाएंगे पानी के साथ में। तो इसमें हम धनिया की पत्तियाँ भी डाल देते हैं, इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मसालों के साथ। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिला ली, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं ताकि आलू और चने में मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। और अब हमने गैस को बंद कर दिया है और इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी है, और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो ही आप मिर्ची डालें, ज़्यादा तीखा खाते हो तो ही डालें। तो हमारा चना मसाला बनकर तैयार है, आलू चने की सब्जी मसालेदार बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये आलू चने की मसालेदार सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।